राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार गोंदिया में आयोजित सभा के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधा। इस समय पत्रकारों द्वारा सवाल करने पर अजित पवार बोले कि सुनील शेरके को शरद पवार ने धमकी दी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही वे बोले कि सुनील शेरके से चर्चा इस विषय में चर्चा की जाएगी। साथ ही चुनाव पर सवाल पूछे जाने पर पवार बोले, एनडीए में शामिल दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हम अपनी पार्टी के सिंबल पर ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारेंगे। मी पहिल्यांदा सुनील शेळकेकडनं विधिमंडळातला आमदार आहे, त्यांच्याकडनं माहिती घेईन। कारण अलीकडच्या काळामध्ये इतका विपर्यास केला जातो, इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या जातात। आता मधीच एक बातमी आम्ही वाचली की सागर बंगल्यावर रात्री जेवण झालं, काही जेवण झालं नाही, काही नाही, काही नाही। कारण त्या दिवशी मी आणि रात्री देवेंद्र बरोबरच होतो। इतक्या दादांत खोट्या बातम्या पसरवतात।